हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्रश करने की प्रॉपर टेक्निक क्या है, कैसे हमको ब्रश करना चाहिए, कितनी देर तक हमको ब्रश यूज़ करना चाहिए, दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और क्या हमको हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करनी चाहिए या वर्टिकल ब्रशिंग करनी चाहिए। तो आज हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ ब्रशिंग को डिस्कस करते हैं कि हमें कितनी देर तक ब्रश करना है। एवरेज हमको 1.5 से 2 मिनट तक एक बार ब्रश करना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो आपके दांत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। उल्टा इसका नुकसान है। अगर आप ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो दांत आपके जल्दी घिस जाएंगे और उनमें सेंसिटिविटी होने लगेगी। तो इसलिए एक बार में 1.5 से 2 मिनट ब्रश करना पर्याप्त है। दूसरा, जब हम ब्रश करते हैं तो हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए। बहुत प्रेशर लगा करके, जोर लगा करके और जल्दी जल्दी ब्रश नहीं करना है हमको। पैसिव फोर्स लगानी है, यानी हल्के हाथ से करना है। ज़्यादा प्रेशर लगाने से दांत ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं, घिस जल्दी जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रश किस तरह करना है। ज़्यादातर लोगों की हैबिट होती है कि वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, यानी कि ऐसे। ऐसा करना ठीक नहीं है। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से दांत सबसे ज़्यादा घिसते हैं। हमको या तो वर्टिकल ब्रशिंग करनी चाहिए या सर्कुलर ब्रशिंग करनी चाहिए। वर्टिकल और सर्कुलर ही दो टेक्निक हैं जिसमें दांत का नुकसान कम होता है, दांत कम घिसते हैं और सफाई अच्छे से होती है। तो अब ये देखें कि वर्टिकल ब्रशिंग करनी कैसे है। अगर ऊपर के दांतों को साफ करना है तो ब्रश को थोड़ा एंगल करके लगाना है। मतलब एक तो ब्रश बिल्कुल सीधे लगाया या फिर एकदम 90 डिग्री पे लगाया, तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल करीब बना करके और ब्रश को एंगल पे लगा करके और फिर वर्टिकल ब्रशिंग करनी है। और जो मूवमेंट देना है वो मसूड़े से दांत की तरफ आना चाहिए, जैसे कि हम मसूड़े के अंदर से गंदगी निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे दांत और मसूड़े के बीच में अंदर जाके जमा हो जाती है, जो धीरे धीरे वहाँ पे प्लाक बनाती है जिससे हमको सेंसिटिविटी होती है। तो जब हम ब्रश करें तो हमको ऐसे ही यूज़ करना है कि मसूड़े से दांत की तरफ नीचे लाना है। और इसी प्रकार यदि नीचे के दांतों में हम सफाई कर रहे हैं तो नीचे के मसूड़े से उसको ऊपर उठाना है, ताकि गंदगी मसूड़े में से निकल के दांत में बाहर आ जाए। तो ये 45 डिग्री का एंगल करीब बनाना होता है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत उसके करीब होना चाहिए। और वर्टिकल ब्रशिंग करनी है या सर्कुलर ब्रशिंग करनी है और मसूड़े से दूर करनी है। हमको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को। रात को डिनर करने के बाद ब्रश करके फिर सोना चाहिए, और ब्रश करने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट के विषय में। एक तो ये कि कितनी अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट हमें लेना है। तो बहुत से लोगों को हमने देखा है कि पूरे टूथब्रश के बराबर उस पर पेस्ट लगा लेते हैं भर के। वो सोचते हैं कि इससे दांत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी टूथपेस्ट के बैक कवर पर लिखा रहता है कि टेक टूथपेस्ट अबाउट अ साइज ऑफ पी, यानी मटर के दाने के बराबर आपको पेस्ट लेना है। तो मैक्सिमम जो है, अगर आपको पेस्ट लेना है तो वो आधा टूथब्रश के बराबर होना चाहिए। आधे से ज़्यादा टूथपेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वेस्ट है, क्योंकि टूथपेस्ट में कई प्रकार के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव और कलरिंग एजेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे हमको थोड़ा बहुत नुकसान देते हैं। तो इसलिए उसकी मात्रा जो है वो कम रखनी चाहिए। ज़्यादा पेस्ट का कोई रोल नहीं है, ब्रशिंग टेक्निक का ज़्यादा रोल है। आप अगर ब्रशिंग प्रॉपर से कर रहे हैं, अच्छी टेक्निक से कर रहे हैं, तो आपके दांत अच्छे साफ होंगे। छोटे बच्चों को ब्रश कराने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ही पेस्ट करें, और उनको पेस्ट स्वॉलो नहीं करना है, क्योंकि पेस्ट कोई खाने के लिए नहीं बना है, ब्रश करने के लिए बना है। काफ़ी ब्रांडेड टूथपेस्ट के पैकेट पर यह पीछे लिखा रहता है कि चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज शुड ब्रश अंडर पेरेंट्स सुपरविजन। आप जाके अपने पेस्ट के पैक पे आज जाके देख सकते हैं कि पीछे क्या लिखा है, क्योंकि टूथपेस्ट में काफ़ी केमिकल्स और फ्लोराइड सब होता है, और अगर बच्चा उसको रोज़ स्वॉलो कर रहा है, खा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसके पेट में जाके जमा होता है, जिसके इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए बच्चों को आपको ये ट्रेन करना है कि वो टूथपेस्ट को स्वॉलो ना करें। ब्रशिंग के साथ साथ एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है।
कि आपको वॉर्म सलाइन रिंसेस करने चाहिए, जिसको कि हम लोग नॉर्मली नमक पानी का कुल्ला बोलते हैं। हल्के गुनगुना पानी लेना है एक गिलास, और उसमें एक चम्मच नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज़ करना है, और उससे आपको कुल्ला करना है। अगर एक बार सुबह और एक बार रात में कुल्ला कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम एटलीस्ट एक बार रात को सोने के पहले आप उससे कुल्ला करें। तो नमक पानी अगर हल्का गुनगुना आप कुल्ला कर रहे हैं तो आपके मसूड़ों की उससे वो थोड़ी बहुत सिकाई होती है, और मसूड़े हेल्दी रहते हैं और बैक्टीरिया फ्री रहते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी टंग की भी क्लीनिंग करनी चाहिए। जीभ पे भी जो है गंदगी साफ़ होती है, जिसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब ऐसे भी अच्छे टूथब्रशेज आते हैं जिनकी बैक साइड पे टंग साफ करने के लिए स्ट्रक्चर बना रहता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये सामने ब्रिसल्स हैं और ये पीछे टंग क्लीनर लगा हुआ है। तो ये सॉफ्ट टंग क्लीनर होता है, जिससे आपकी टंग पे कोई नुकसान नहीं होता है, चोट नहीं लगती है। और जो पहले मेटैलिक वाले टंग क्लीनर चलते थे, जिसको जीभी बोलते थे, जिससे लोग अपनी टंग साफ करते थे, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे आपकी टंग पे कई बार कट जाता है या छाले बन जाते हैं। तो टंग की सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश को चेंज करने का क्या टाइम है? नॉर्मली एक ब्रश 2 से 3 महीने चलता है, तो मैक्सिमम 3 महीने के बाद आपको अपने टूथब्रश को चेंज कर देना चाहिए, और उसको रेगुलरली उसके ब्रिसल्स देखते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसके ब्रिसल्स जो है दूर दूर हो गए हैं, या फैल गए हैं, या टेढ़े हो गए हैं, तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए, और हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। अगर आपको दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या मसूड़े सूज रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए। एज सच डेंटिस्ट्री जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत लोगों का ये कहना है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग करते हैं और खुद ही उसका कुछ घरेलू उपचार करते रहते हैं, या मेडिकल स्टोर से दवा लेके खाते रहते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा हो जाता है और कॉस्टली हो जाता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में ही हम उस प्रॉब्लम को डेंटिस्ट को दिखा लें, तो वो बहुत आराम से ठीक हो जाती है और ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके पास कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।